त्योहारों के मद्देनजर रविवार को पुलिस ने परेड ग्राउंड पर बलवा ड्रिल का अभ्यास किया तथा किसी भी प्रदर्शन या दंगा से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा भी की। बलवा ड्रिल अभ्यास में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, रेडियो शाखा, घुड़सवार पुलिस, फायर सर्विस LIU, RTC की प्रशिक्षु महिला आर्चियों के साथ ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में आयोजित मॉक ड्रिल में CO कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, RTC के मेजर राकेश कुमार साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में दंगाइयों के रूप में महिला आर्चियों ने भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल में दंगाई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दंगाइयों ने आगजनी भी की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का भी सहारा लिया। फिलहाल पुलिस मुहर्रम और गणेश पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है और बलवा ड्रिल का अभ्यास करके अपने जवानों में जोश भर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आप लोग कहेंगे मैंने बताया था ग्रीन सर्किट में और आपको
चलते जो है पहले लाइव पार्टी जाती है, फिर जो है घुड़सवार पुलिस जाती है, फिर लाठी चार्ज होता है, अंत में जो है गोली चार्ज का जो है विकल्प दिया जाता है। प्रशिक्षु ने अभी इतना बढ़िया जो है डेमो नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस सारी प्रक्रिया से जो अच्छे से दिख होंगी, क्योंकि आने वाले जीवन में ये सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं। आ सकती है क्या, हम उनकी सर्विस हो गई है, ऐसी स्थितियाँ प्राय आती हैं। जब मजमे खत्म हो जाता है उसको भगाने के लिए हम लोग को लाठी चलानी पड़ती है, हंसी दे चलाना पड़ता है, या कभी कभी सारी भी करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आज की इस बलवा ड्रिल से ये सभी जो है RTC के प्रशिक्षु जो हमारी महिला आरक्षी हैं ये लाभान्वित हुई होंगी, और ये जो अपने कर्मचारी हैं इनका भी एक बार फिर जो है अभ्यास पूरा होगा। देखिए त्यौहार से निकट है और गणेश प्रतिमा विसर्जन और मुहर्रम दोनों साथ ही पड़ रहा है। उक्त अतिरिक्त हमारे यहाँ जो है RTC में काफ़ी संख्या में महिला आरक्षियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये हमारे प्रशिक्षण की एक सेट ड्रिल होती है कि यदि भीड़ अराजक हो जाए तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, और इन्हीं से इसी रिहर्सल के जरिए जो हम अपने जो है दंगा नियंत्रण उपकरणों का जो है परीक्षण भी कर लेते हैं, और हमारे कर्मचारी जो इस क्रिया में दक्ष तो होते ही हैं लेकिन बार बार किसी भी चीज़ का रिहर्सल जरूरी होता है, इसलिए जो हाजिर रिहर्सल कराया गया है। इससे जो है हमारी लाइन में जो विद्यमान फोर्स है वो भी लाभान्वित होगी, और उसके अतिरिक्त जो महिला प्रशिक्षु आरक्षी हैं उनको प्रशिक्षण देने का भी उद्देश्य था।